नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 24 दिसंबर 2019 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाय सेल लेवल सब इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फीचर्स का लेवल देता हूँ, उसका लेवल आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ एडुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज मैं वीडियो बना के रखा हूँ। बहुत सारा चार्ट का सेटअप जो आप लोग को चार्ट का सेटअप कैसे स्टॉक मार्केट का बारे में और भी जानकारी जो आप लोग को ज़रूरत होता है ट्रेड करने के लिए, SUPERTREND कैसे लेता है, कैसे स्टॉक्स चुनना है, ये सब चीज़ और भी बहुत सारा चीज़ मैंने दिया हूँ, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने चार्ट एनालिसिस करूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूंगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा। तो उसमें चार्ट में इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ, तो इधर देखिए इसको, ये पहले ये जो कैंडल बना था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का कैंडल है, उसके बाद ये नीचे आया था, इसका क्लोजिंग भी इसका 12025 के नीचे गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट मिनट में ये फिर से बाइंग प्रेशर आके इसको ऊपर उठा दिया, ये ऊपर थोड़ा सा जाके क्लोजिंग दिया, लेकिन ये नीचे जाने का टेंडेंसी इसको ये दिखाया है। और ये जो असेंडिंग ट्रायंगल आप लोग देख सकते हैं, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना है, सॉरी हाँ असेंडिंग ट्रायंगल जो बना है इसका, ये इसका नीचे ये क्लोजिंग हुआ है, इसका ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका ऊपर जाने के लिए इस लेवल को मतलब 12,300 का लेवल, 350 या 300 का लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये जो फिबोनाची लेवल है 12,116 के नीचे, ये 12,118 तक आ सकता है, उसके बाद 12,800 तक आ सकता है, सॉरी 11,800 तक आ सकता है। तो ये 12,225 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वो क्रॉस भी किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर चला गया। तो लेकिन चार्ट का जो टेंडेंसी है ये लगता है इसको ये फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा। और इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो ऑप्शन चेन में इसका पीसीआर रेशियो 1.54 हो गया, तो ये 1.54 ये नीचे कॉन्ट्रैक्टेड लेना चाहिए, अभी इसका मतलब रिवर्सल लेना चाहिए। और 12,400 में इसका कॉल साइड में रेजिस्टेंस बना है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट साइड में 12,200 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। और इधर देखिए ये जो 12,400 में ये इसका पुट साइड का जो इंदा मनी है इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर देखिए ऊपर इसका जो कॉल साइड का जो इंदा मनी है तो उसमें देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मतलब नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और आई बी भी
ये नीचे गिर रहा है और अभी भी इसके साथ मतलब जो प्राइस ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है और आई बी भी गिर रहा है, तो इसका मतलब है ये नीचे जाने का चांसेस है। और प्रोबेबिलिटी कैसा दिखता है देखिए, मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, करेंट स्टॉक प्राइस इक्वल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और किनारेस का एक्सपायरी बाकी है, तो इस एक्सपायरी में ये 12,200 और 12,600 इसका नीचे का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, 12,200 के जाने का आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और इधर निफ्टी बैंक का चार्ट एनालिसिस करके दिखता हूँ, निफ्टी बैंक इधर भी असेंडिंग ट्रायंगल का नीचे देखिए क्लोज हुआ है, क्लोजिंग दिया है, इधर जो मूविंग एवरेजेस और जो आर एस आई ये जो है थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। और इधर फिबोनाची लेवल का ये जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस था इसका नीचे ये क्लोजिंग हुआ है, और इधर नीचे आने के लिए इसको पहले इसका 31,925 इसका पास सपोर्ट है, उसके बाद 31,570, उसके बाद 31,359। मैंने ये फिबोनाची लेवल देखता हूँ क्योंकि आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर प्राइस एक्शन भी ऐसे ही बताता है, इधर सपोर्ट है, इधर आके सपोर्ट है, इधर आके सपोर्ट है, आप लोग इधर देख सकते हैं, आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा आप लोग को। तो इधर देखिए 30,980 तक ये आ सकता है, उसके बाद एक्सटेंशन करूँगा तो इसका 30,400 के नीचे भी जा सकता है। तो इसका ऑप्शन चेन इतना गिरेगा या इतना अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट होगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नीचे ही रहेगा, नीचे ही दिखाता है। इधर पी सी आर रेशियो 1.118 है, इसका दिखाता हूँ आप लोग को, इसका जो पी सी आर रेशियो है 1.18 है। इधर 32,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, आई बी भी नीचे है, आई बी कम है, शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है, प्राइस गिरा है। और इधर 32,000 में इसका सपोर्ट बना है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और ये ऊपर साइड में भी इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है टोटल ऊपर साइड में। और इसका इधर देखिए पुट साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप आया हुआ है इन द मनी कॉल्स में थोड़ा थोड़ा, तो इधर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। और इधर प्रोबेबिलिटी दिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी देखिए इसका नीचे ही दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी इसका नीचे दिखा रहा है, 32,000 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 32,500 के जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये है, अगर आप लोग मेरा बाय सेल लेवल देखेंगे और बाय सेल लेवल का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, मैंने रेगुलर बाय सेल लेवल देता हूँ, तो उस लेवल पे आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को 90% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ, 95% के एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट आएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैंने बाय सेल लेवल दे देता हूँ, तो वो आप लोग को वो क्या मतलब नज़र रखिए, तो उसको आप लोग को रात में वो वीडियो पोस्ट करूँगा, तो उसको आप लोग को उस लेवल देख के करेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।